मृत्युंजय महादेव त्रयाहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदन। आज हम उपस्थित है कामनाथ महादेव रडू में। गुजरात के अंदर खेड़ा जिले में रडू गांव है। यहाँ ये प्राचीन मंदिर है जो वात्रक नदी के तीर पे बसा हुआ। यहाँ पांच नदी का संगम भी है। कामनाथ महादेव अति प्राचीन महादेव है। इसका इतिहास भी बहुत अद्भुत है जो देखने लायक है। तो हम उसका इतिहास पहले थोड़ा सुनते हैं जिससे हमें इसकी माहिती मिले। इसका नाम है कामनाथ महादेव। जो हम देखने जाए तो संवत 1445 के समय में यहाँ कोई भी महादेव नहीं था। उस समय रडू गांव में, तो इसके बाजू में एक गांव है पुनाज गांव, वहाँ कामनाथ महादेव का मंदिर स्थित था। तो यहाँ के एक हमारे हरिभक्त थे जयसंग भाई, तो उनका हर रोज़ का प्रतिदिन का नियम था कि हर रोज़ यहाँ से कामनाथ महादेव 7 किलोमीटर चल के जाने का, वहाँ भगवान के दर्शन करके फिर गांव में आना और फिर भोजन पानी लेना। ऐसा एक भक्त का विश्वास था, हर रोज़ ऐसा ही चलता था। लेकिन ये मैंने आपको बोला कि ये गांव नदी के किनारे, एक बार नदी में बहुत पूर आई, बाढ़ आई, तो बहुत पानी आ गया और पानी बहुत आने की वजह से वो आगे जा नहीं सके और जा नहीं सके, दर्शन नहीं हुआ। तो भक्त के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, इसलिए उन्होंने उपवास किए। एक दिन हुआ उपवास किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके करके 8 दिन हो गए पानी नहीं उतरा, तो उनका दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने उपवास किया, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो 8 दिन का उपवास, 8वें दिन रात्रि को भगवान स्वप्न में आए कामनाथ महादेव, और स्वप्न के माध्यम से उनको बताया कि वत्स प्रातः काल में तुम मुझे वहाँ मंदिर में जाके एक घी का दीपक जला के यहाँ अपने गांव में रडू में ले आओ, तो मैं यहाँ आके स्थित हो जाऊँगा और यहाँ मैं विराजमान होऊंगा। ऐसा स्वप्न में किया और स्वप्न में ज्ञान लिया। सुबह में उठे और उन्होंने गांव वालों को सबको बात बताई और सब ने उस पर विश्वास करके वो भगवान के महादेव की तरफ चलने के लिए निकले। तभी पानी भी उतर गया था। देखो भगवान की भक्ति, श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धालु व्यक्ति वही फल की प्राप्ति कर सकता है। इस सूक्ति के अनुसार पानी भी उतर गया था। वो गए कामनाथ महादेव में, पुनाज गांव गए, घी का दीपक जलाया और वहाँ से भगवान को दीपक के अंदर के लेके और यहाँ रडू गांव में आए। और आज यहीं अखंड ज्योत उपस्थित है। हम जो मंदिर में देख रहे हैं वो अखंड ज्योत है, जिसको अभी 633 वर्ष हुए है। ये दीपक अखंड है, कभी अभी तक बुझा नहीं है। और जब दिया लेके आए तब हुआ क्या कि ये दीपक को चालू रखने के लिए इसका खाद्य खोराक घी या तेल है, तो गांव वालों ने नियम के एक भगवान का यहाँ स्थापना तो हो गई, लेकिन ये दीपक को चालू रखने के लिए घी की जरूरत पड़ेगी। तब सबने निश्चय किया कि ये जो घी है, सबके घर जो गाय या भैंस जो पहली होती है उसका जो शुद्ध घी है वो इसमें सब रखेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे। जिसने जिसने घी का दीपक या घी इसमें समर्पित किया उसकी सब मनोकामना पूर्ण हो गई। तब से ये बाधा हो गई संकल्प के, जो इसमें घी डालता है, जो इसमें घी चढ़ाता है भगवान पे, उसकी सब मनोकामना सब पूर्ण होती है। तब से यहाँ घी की मन्नत मानी जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा, इतना घी आप चढ़ा सकते हो, काम पूरा होने के बाद यहाँ आपको घी चढ़ाना है और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। ये आप देख रहे घी का सब जो मटके है, इसमें अभी 1200 मटके हैं। अच्छा, इसमें अभी 80 से 85 हजार किलो घी उपस्थित है। ये घी की खासियत ऐसी है, ये घी के अंदर कभी कीड़ी मकोड़ा या कोई भी जीव जंतु नहीं पड़ता है। ये घी के अंदर कभी बैड स्मेल नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है जी। नहीं तो हमारे घर घी 2-3 महीने में शायद बिगड़ ही जाता है, लेकिन ये घी इतने वर्षों से अभी ताजा का ताजा दिख रहा है। ये भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कहीं आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा जो यहाँ भगवान महादेव के द्वार पे है जी। तो आपका महाराज जी, जो 1200 साल पुराना घी है उसको आप उपयोग नहीं करते हैं? हम देखते तो ये घी का उपयोग पहले तो हम ज्योत में करते हैं, फिर जो आरती वगैरह दिया जो होता है वहाँ होता है, और दूसरा यज्ञ के अंदर, जितने यज्ञ यहाँ मंदिर में होते हैं सब में घी की आहुति डाली जाती है। और यहाँ यज्ञ भी बहुत होते हैं यज्ञ परंपरा में, यज्ञ के अंदर और ये दिए के अंदर अखंड ज्योत में इस घी की उपयोग होता है। और इसको खाया नहीं जाता, छूया नहीं जाता, ऐसी मान्यता पहले से है। अच्छा जी, तो वो आगे से आगे घी अभी तक भंडार वो भरे हुए हैं और चलता आ रहा है, गांव वाले नया लेके आते हैं। हाँ, और वो चलता, जिसकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ घी समर्पित करता है। और जब ये घी का दिया जो लेके आए थे तब वो श्रावण वद 12 थी जी, उसी दिन को स्थापना दिन माना जाता है। और उसी दिन यहाँ गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है जी। और मेले के अंदर सब बाहर से लोग, आउट स्टेट से भी, बाहर के राज्य से भी सब आते हैं। और उस दिन भगवान की पूजा अर्चना होती है और भगवान की पालकी यात्रा, नगर यात्रा होती है। भगवान की सुवर्ण श्रृंगार से जड़ित मूर्ति लाते हैं, उसमें भगवान को पालकी में विराजित करके पूरे गांव में भगवान की यात्रा रहती है। एक ओ और शिवरात्रि के दिन भगवान की नगर यात्रा रहती है जी।
तो महाराज जी ये जो 1200 हम घड़े देखते हैं तो ये पहले दिन से ही 1200 है या धीरे धीरे एड होते गए? ये जो घड़े हैं धीरे धीरे, जैसे आपकी मन पहले थोड़ा की था जी, पहले दिए में जो सबसे पहले दिए में जो रखा और जो बचा वो एकत्रित किया, और ऐसे समझ की मन्नत जैसे जैसे पूरी होती है वो ऐसे ऐसे अपने हिसाब से घी चढ़ा जाता है। कोई 100 ग्राम, 200 ग्राम, 5-10 किलो, 50 किलो तक की बाधा मानते हैं, अपनी कामना पूर्ण होने के बाद वो यहाँ घी समर्पित करते हैं और वो यहाँ एकत्रित करते, इसका उपयोग रहता है। लेकिन ये यहाँ ये जग्या जो जो ये स्थान है वो इतना चमत्कारिक है कि आप घी कहीं से भी लाओ कैसा भी लाओ लेकिन यहाँ के वो शुद्ध हो जाता है और कभी बिगड़ता नहीं है। तो 1200 से ज्यादा भी होते जाएंगे? हाँ, होते जाएंगे में। हर बार घी बढ़ता ही जा रहा है जी। सबसे पहले एक भंडार था, बाद दूसरा, तीसरा, चौथे, अच्छा 4 भंडार हो गए जी। अब ऐसा कि मंदिर में घी रखने की जगह ही नहीं बची है जी, अभी ऐसी स्थिति। महाराज जी आप हमको एक घड़ा खोल के दिखाएंगे जी? तो ये जो घी है हम 1200 साल पुराना घी ये देख रहे हैं हम लोग, तो ये महाराज जी अभी इतनी गर्मी है तो भी जमा रहता है? अभी इतनी गर्मी भी ये जमा रहता है। अच्छा। और ये ऐसा है कि ऐसा ही रहता है, इसमें कोई दुर्गंध भी नहीं आएगी जी, कुछ उसमें बस ऐसे जैसे हम लाए हैं फ्रेश ऐसा ही आपको दिखेगा, आप देख ही रहे सभी घड़ों में ऐसा ही, सभी घड़ों में ऐसा ही शुद्ध की, कोई भी घड़ा खोल के आप अपने हिसाब से देख लो। हम यहाँ पर हैं तो हमको इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ भी गर्मी है और सारे घड़े हम देख रहे हैं उसमें घी जमा हुआ। और यहाँ यज्ञ की भी एक परंपरा है जी, पूरे श्रावण महीने में यहाँ यज्ञ चलता है जी, और पूरा श्रावण महीना ये घी का उपयोग ही होता है, पूरा श्रावण महीने में ये घी का आहुति देते हैं। लेकिन श्रावण महीना पूर्ण होने के अंत में जितना घी हम होमते हैं यज्ञ में उससे ज्यादा तो आ ही जाता है जी, ऐसी भी परंपरा है। यहाँ कभी घी आज तक खूटा ही नहीं, कम बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, कम होता ही नहीं है जी, बढ़ता ही बढ़ता जा, इसकी और एक परंपरा है और मान्यता है जी। और यहाँ नक्षत्र भी भगवान के इच्छा से यहाँ चलता है, यहाँ सब आते हैं, वन नक्षत्र में आते हैं और भोजन लेते हैं बिना मूल्य जी। तो जो भी भक्त देख रहे हैं मैं उनको इस मंदिर का एड्रेस पूरा कंप्लीट इस वीडियो के अंदर लिख दूंगा, तो जो भी यहाँ पर आना चाहता है वो जरूर आए, और महाराज जी आपको पूरा जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, आपने इतना जानकारी दिया, धन्यवाद महाराज जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।